प्रदेश में देवभूमि जनहित पार्टी विकल्प लेकर आई है। देवभूमि जनहित पार्टी सभी के अधिकारों के लिए ही लड़ाई लड़ेगी और ये उद्गार जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल के नारग में जनसभा को संबोधित करते हुए देवभूमि जनहित पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष रोहित ठाकुर ने कहे हैं। और ठाकुर ने कहा कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई बुलंद करने के लिए खड़े हुए हैं। स्वर्ण समाज ने 10 दिसंबर 2021 को धर्मशाला में सत्ताधारी दल को अपनी ताकत का एहसास करवाया और उसके बाद भी सवर्ण आयोग के गठन को लेकर मात्र आश्वासन ही मिले। किसी को क्या मिला इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन स्वर्ण समाज को क्या मिला और ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि सवर्ण समाज को क्या मिला है। जनसभा को संबोधित करते हुए रोमित ठाकुर ने कहा कि वो क्षेत्र राम व कृष्ण के वंशज हैं और देवभूमि संगठन व देवभूमि सवर्ण संगठन द्वारा जो देवभूमि जनहित पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो उसे पूरी तरह से निभाएंगे। और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में 146 करोड़ की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के से चुराह के विकास को बल और जनता को काफी राहत मिलेगी और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव की पुण्य धरा चुराह को विकास की दृष्टि से संवारना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग मेहनती हैं और परिश्रमी हैं और ईमानदार भी हैं और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा हिमाचल के लोगों को लुटेरे शब्द का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग इस अपमान को सहन नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आप पार्टी ने ऐसे नेता को देवभूमि का प्रभारी बनाया है जिस पर ईडी के केस दर्ज हैं और उन्होंने कहा कि वो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं।